नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। आज 7 मार्च है, जानेंगे आज का दिन कैसा रहेगा। राहु काल पहले जान लेते हैं। 12:26 से लेकर 1:42 तक समय राहु काल का रहेगा। चलिए बढ़ते हैं राशियों के साथ। आज आपको ये भी बताऊंगी बुधवार के दिन क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़े। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। कार्ड निकलता आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। मेष राशि वालों को कानूनी मामले में लाभ होने के संकेत नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको सपोर्ट हर जगह से मिलेगी। अगर बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो आज दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती हुई नजर आ रही है। उपाय क्या करेंगे? कृष्ण जी को बांसुरी देने से आज लाभ होगा। इसी के साथ लाल रंग का इस्तेमाल आज जरूर कीजिए। आपके लिए शुभ रंग जो है ये लाल रहेगा। वृषभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। टॉरेंस के लिए कार्ड निकलता है पहला 8 of Swords एंड 7 of Pentacles। आप लोगों के लिए व्यापार से जुड़े साथियों से, यानी कि आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनका सहयोग आप लोगों को मिलेगा। इसी के साथ रुके हुए काम भी आपके आज के दिन में पूरे हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहना आज अच्छा नहीं है। कोशिश करें इस बातचीत को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेहतर है। उपाय क्या करेंगे? आज के दिन में आपके लिए शुभ रंग जो है वो हरा रहेगा। इसी के साथ गाय को हरा चारा खिलाना अपने हाथ से बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसे करने से व्यवसाय में आपके लिए बढ़ोतरी के योग बनेंगे। मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो जेमिनाइज के लिए पहला कार्ड निकलता है द लवर्स एंड द सेकंड कार्ड इज हेरोफेरेंट। आज जेमिनाइज को आपके सब कामों में आपको नया आत्मविश्वास जगेगा, यानी कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से आपका कैलिबर भी बेहतर रहेगा, यानी कि आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी और आप काम में भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क शो करेंगे। आप लोगों को आज के दिन में कोशिश करनी है कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के प्रति थोड़ा सचेत हो जाइए, क्योंकि आपके बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे? आज 7 रस वाले फल आपको मंदिर में दान देने हैं। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं। अब कार्ड निकलता है कंसेरेंस के लिए द चैरियट एंड किंग ऑफ कप्स। आज के दिन में किसी से अपने कारोबार में उधार नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही में आप लोगों को आज अपने खास तौर पे अपने आसपास के जो लोग हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे सावधान रहना है। उनकी किसी बात से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे और यात्रा के योग बन रहे हैं आप लोगों के लिए शाम के समय। कोशिश करें, आज उपाय आपके लिए ये रहेगा कि शाम को घर लौटते समय लाल रंग के फल लेकर के आएँ। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी, यानी कि एक तरह से पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए बढ़ेगी। सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं। अब लियोस के लिए कार्ड निकलता है 4 of Swords एंड 10 of Swords। तो आज के दिन आपको अपने किसी रिश्तेदार दोस्त से वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। रिश्तों में खटास आ सकती है और हो सकता है एक लंबे समय तक के लिए वो रिश्ता जो है आपका बिगड़ जाए, तो आज वाद विवाद को बढ़ावा नहीं दें। इसी के साथ एक तरह से स्टैग्नेंट फेस दिखाई दे रहा है। अगर बात करूँ आपके व्यवसाय की, तो आज कोई इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छा नहीं है। और अगर आपने कामकाज को, अपने खास तौर पे अपने व्यापार को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे थे, तो आज अपने पार्टनर्स की राय ज़रूर लीजिए। उपाय क्या करेंगे? गुलाब के फूल आज के दिन में आपको गणपति जी को चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास और मधुरता बढ़ेगी। कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। वर्गोस के लिए कार्ड निकलता है 7 of Cups एंड 6 of Cups। अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा आज के दिन में। आपको सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इसी के साथ आज कोशिश करें अपने रिश्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, और किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? 1.25 किलो साबुत मूंग की दाल मंदिर में दान दे दीजिए। ऐसा करने से आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो लिब्रंस के लिए द फर्स्ट कार्ड इज 3 of Swords और दूसरा कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए 2 of Wands। आज के दिन में पार्टनरशिप में किया गया कोई भी काम बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। इसी के साथ अपने घर परिवार के जो लोग हैं वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। अगर बात करूँ आपके स्वास्थ्य की, तो आज स्वास्थ्य में सुधार होने के योग नजर आ रहे हैं। अपने घर के लिए कांटे वाला पौधा नहीं लाना है, इस बात का ध्यान दीजिए। या किसी भी तरह के कोई भी एंटीक आइटम्स आज अपने घर में प्लेस नहीं करने हैं। ऐसा करने से आपके शत्रु जो हैं वो बढ़ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? आज 125 ग्राम गुड़ चने गाय को खिलाने हैं आपको। ऐसा करने से आपके खास तौर पे आपके फाइनेंसेस जो हैं उसमें सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो स्कॉर्पियंस के लिए द फर्स्ट कार्ड इज 8 of Pentacles एंड 8 of Swords। आप लोगों के लिए आज के दिन में अपनी तरफ एक शील्ड मेंटेन करनी है। इसी के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर भी
आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, किसी की गारंटी नहीं लेनी है आज के दिन में, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। और कोशिश करें बाहर का खाना आज नहीं खाएं, नहीं तो आपके लिए पित्त विकार बढ़ सकता है। उपाय क्या करेंगे आज आपके लिए, जो लकी कलर है वो रहेगा पिंक कलर। इसी के साथ बुधवार का दिन है आज, तो गणपति जी की आराधना जरूर करें। दिन की शुरुआत आप करेंगे उनको मोदक का भोग लगाना, ऐसा करने से आपके जो नए काम हैं जिसके लिए आप काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं वो जल्द से जल्द बनेंगे। धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं। सैजिटेरियंस के लिए पहला कार्ड निकलता है नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ जो बदलता मौसम है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकता है। घर के लिए शंख खरीद कर आज जरूर लेकर आएँ, ऐसा करने से आपके कफ के रोग कम होंगे। और कोशिश करें आज के दिन में आप जितना हार्डवर्क करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। यात्रा का योग भी दिखाई दे रहा है आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई। और रिश्तों में भी आज एक नया स्टेप आप ले सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। उपाय क्या करेंगे आज सुबह उठ करके माँ सरस्वती की आराधना आप लोगों को ज़रूर करनी है, और ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स को माँ सरस्वती के मंत्र का जाप ज़रूर करना है। मकर राशि वालों की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटाकल्स। आज ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली को देंगे, इसी के साथ आज खर्चों में भी कमी आ रही है। आज आप पैसों की तंगी से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, तिजोरी में नारियल और लघु नारियल जो होता है, जो छोटा नारियल होता है, उस पर केसर का तिलक लगा करके आपको रखना है। ऐसा करने से आय के नए स्रोत आपके लिए खुलेंगे। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। क्वेरेंस के लिए कार्ड निकलता है द टेम्परेंस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, अपनी नौकरी बदलने की सोच अभी कुछ दिन तक और टालनी होगी आप लोगों को, नहीं तो आपके लिए अगर अभी कोई चेंज करते हैं एट प्रेजेंटली तो आप हो सकता है अनस्टेबिलिटी लेकर के आएंगे अपनी लाइफ के अंदर। इसी के साथ रिलेशनशिप पार्ट में भी बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों में एक मूड स्विंग्स लेकर के आना, और ख़ासतौर पर अपने जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से अपने इमोशनल डिसबैलेंस को दिखाना वो चीज़ अच्छी नहीं है। ऐसा करने से आपके रिश्तों में खटास बढ़ेगी। उपाय क्या करना है आज, गणपति जी की आराधना करनी है और गाय को हरा चारा आपको खिलाना है अपने हाथ से। कोशिश करें अपने वजन के बराबर आप खिलाएं, और अगर इतना आपका सामर्थ्य नहीं है तो 7 रुपये की हरी सब्जी या 7 रुपये का हरा चारा आप ज़रूर खिलाएँ। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। जी हाँ, पाइसेंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ स्वॉन्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। आज का दिन मीन राशि वालों को ध्यान किस बात का रखना है, आज अपनी माता को प्रसन्न ज़रूर रखना है और साथ ही में उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है आपके व्यापार और व्यवसाय से जुड़ा हुआ। उपाय क्या करना है आज, 9 केले किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए, ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। इसी के साथ आपके लिए शुभ रंग जो रहेगा हल्का पीला यानी कि लाइट येलो कलर आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इसी के साथ आज बुधवार का दिन है, महा उपाय जान लेते हैं। जी हाँ, आज के दिन में आप ऐसा क्या उपाय करें जिसके करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े। बुधवार सुबह जल्दी उठ करके आपको स्नान आदि करने के बाद आपको एक कांसे की थाली लेनी है। कांसे की थाली में ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र लिख करके उसके बाद थाली में 5 बूंदी के लड्डू या मोदक जो है उसमें रख करके श्री गणेश जी के मंदिर में दान करने हैं। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनेंगे, आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपके लिए फिर लेकर आऊँगी ऐसे ही आपकी राशियों का हाल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। और जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि एस्ट्रो की हर जानकारी के लिए आप एस्ट्रो तक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।